आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप MPPT लगाएं या PWM और सोलर पैनल सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल, मोनो लगाएं या पॉली लगाएं और मोनो पॉली पैरेलल करें या सीरीज करें तो और 12 वोल्ट सेटअप लगाएं या 24 वोल्ट सेटअप लगाएं, सोलर पैनल से इन्वर्टर की दूरी कितनी हो और सोलर इन्वर्टर बेटर है या चार्ज कंट्रोलर। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 MPPT लगाएं या PWM। तो इसमें हम बताना चाहेंगे MPPT में वोल्टेज रेगुलेट होता है और अधिक वोल्टेज एम्पीयर में बदल दिया जाता है। तो अगर आपके पास सोलर पैनल की VOC बैटरी के वोल्टेज से 6 वोल्ट या उससे भी अधिक हो तो MPPT का आपको प्रयोग करना है और 12 वोल्ट की बैटरी 24 वोल्ट के पैनल से चार्ज करनी है तो MPPT ही लगेगा और सोलर पैनल से इन्वर्टर की दूरी पैनल मतलब 15 मीटर से अधिक हो तो MPPT लगाएं और सोलर पैनल को सीरीज में करें। और ज्यादातर मोनो पैनल की VOC अधिक होती है इसलिए MPPT ही इसमें कारगर रहेगा। अब PWM जो होता है वो स्विच ऑफ ऑन करके पैनल के वोल्टेज को बैटरी के वोल्टेज के बराबर लाया जाता है। अगर आपके पास 100 से 300 वाट तक के सोलर पैनल है तो PWM ही लगाएं और 12 वोल्ट की बैटरी है और सोलर पैनल की VOC जैसे 18 से 20 वोल्ट है तो PWM ही लगेगा, MPPT का कोई फायदा नहीं। और इन्वर्टर की दूरी सोलर पैनल से 10 मीटर से कम है तब भी आप PWM लगा सकते हैं, बढ़िया एम्पियर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में करने की जरूरत नहीं, उसे भी पैरेलल इसमें लगते हैं। अब नंबर 2 टॉपिक पे आते हैं, सोलर पैनल सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल। तो देखिए सोलर पैनल हमेशा जो होते हैं वो पैरेलल में ही ज्यादा आउटपुट देंगे। तो शर्त यह है कि जो आपकी वायर साइज है वो सोलर से मिलने वाले एम्पियर के अनुसार लगाई जाए। पर सोलर पैनल इन्वर्टर से दूरी ज्यादा है या सोलर के प्लांट बड़ा है तो ज्यादा एम्पियर मिलेंगे, इस वजह से हाई वीगेज का वायर आप लगा नहीं पाएंगे तो हमें सीरीज का ही प्रयोग करना पड़ेगा और इस स्थिति में पैरेलल में लगाने पे पावर लॉस होगा। तो ऐसे केस में सीरीज में ही फायदा है। अब नंबर 3 आता है, मोनो लगाएं या पॉली। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी नहीं है और धूप अच्छी रहती है तो पॉली ही लगाएं। 100 वाट का पैनल है तो 100 वाट ही देगा, वो मोनो हो या पॉली हो। और अगर आपके पास स्पेस कम है तो मोनो लगाने से कम जगह में भी ज्यादा पावर आपको मिल जाती है, यही इसका फायदा है। और अब बात आती है मोनो और पॉली पैरेलल करें या सीरीज करें। तो इसमें ऐसा है, देखिए मोनो और पॉली पैरेलल करें यदि एम्पियर अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज अलग अलग है तो आप सीरीज कर दें लेकिन एम्पियर दोनों के बराबर होने चाहिए। अब आता है नंबर 4, 12 वोल्ट सेटअप लगाएं 24 वोल्ट। तो देखिए ऐसा है, अगर आपके पास 500 वाट लोड है उसके आसपास तो आप 12 वोल्ट का ही सेटअप लगाएं, 600 वाट के पैनल लगाएं या अधिकतम 700 वाट जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज है UTL गामा प्लस और RE है MPPT, ये अगर आपके पास लगाए तो आप 1000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 24 वोल्ट का सेटअप जब लगेगा, जब आप 1000 वाट का लोड चलाना चाहते हैं और इसमें 1200 वाट के पैनल लगा सकते हैं, 1.5 किलो वाट के लगा सकते हैं। वही UTL वाले में तो 24 वोल्ट में सिस्टम आता है उसमें 1000 वाट के लगते हैं, लेकिन RE है MPPT में आप 1200 से 1500 वाट आराम से लगा सकते हैं। फिर नंबर 5 आता है, सोलर पैनल से इन्वर्टर की दूरी कितनी हो। तो देखिए सबसे बेटर तो यही है कि जितनी कम हो उतनी अच्छी है, लेकिन 15 मीटर से किसी भी कंडीशन में ज्यादा ना हो, और ज्यादा होगी तो आपको पावर लॉस होना निश्चित है कैसे भी आप पैनल जोड़ें। फिर नंबर 6 पर आता है, सोलर इन्वर्टर बेटर है या चार्ज कंट्रोलर। तो देखिए ऐसा है, सोलर इन्वर्टर हमेशा बेटर रहता है क्योंकि बैटरी का बिना प्रयोग किए ये सिर्फ सोलर से लोड आपका चलाता है और बैटरी भी चार्ज होती है, जबकि चार्ज कंट्रोलर जो है बैटरी को पहले चार्ज करता है और बैटरी प्लस सोलर मिक्स करके करंट देता है, उससे लोड चलाता है, इससे बैटरी की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक इसमें है RE हब MPPT, एक अकेला ऐसा कंट्रोलर है जो किसी भी इन्वर्टर को बिल्कुल सोलर इन्वर्टर में बदल देता है, क्योंकि इसमें लोड डायरेक्ट सोलर से चल जाता है और बैटरी जब भी प्रयोग होती है जब सोलर में पावर कम हो। और भी है जिसे अकेला ये MPPT है जो बैटरी के डिस्चार्ज एम्पियर भी शो करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।